जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो में हम जानेंगे चातुर्मास में पूजा व्रत साधना सेवा क्यों है इतनी जरूरी, क्या है इसका महत्व, चातुर्मास 2023 में क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। चातुर्मास का समय व्रत साधना और सेवा के लिए बहुत ही खास माना जाता है। साथ ही इस बार चातुर्मास में 44 सर्वार्थ सिद्धि योग, 5 पुष्य नक्षत्र और 9 अमृत सिद्धि का शुभ संयोग भी बनेगा। चातुर्मास का महीना धर्माचार्यों, साधु संतों, योगी जनों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दौरान वे एक ही स्थान पर रहकर जप तप और साधना करते हैं, साथ ही भक्तों को धर्मोपदेश भी देते हैं। पूजा पाठ करने और धार्मिक यात्रा के लिए भी चातुर्मास का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। चातुर्मास 4 महीने का होता है, इसलिए इसे चातुर्मास कहा जाता है। लेकिन इस साल 2023 में सावन 2 माह का होने के कारण चातुर्मास 4 महीने का ना होकर के 5 महीने का होगा। गुरुवार 29 जून से गुरुवार 23 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा। इस बार चातुर्मास की शुरुआत गुरुवार के दिन से होगी और इसका समापन भी गुरुवार को ही होगा। ज्योतिष के अनुसार चातुर्मास के दौरान 44 सर्वार्थ सिद्धि योग, 5 पुष्य नक्षत्र और 9 अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग भी इस चातुर्मास में बनेंगे। व्रत साधना और सेवा के लिए खास है चातुर्मास। व्रत साधना और सेवा के लिए चातुर्मास के ये महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। चातुर्मास में धर्म, व्रत और पुण्य कामों को करने, प्रभु का स्मरण करने, हरि कथा सुनने की दृष्टि से भी विशेष माना गया है। चातुर्मास में तुलसी पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए और संध्या में घी का दीपक तुलसी में अवश्य जलाएं। चातुर्मास में प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे यानी कि 120 दिनों में कुल 220 घंटों का समय निकालना जीवन के लिए सुख, शांति, अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही इससे मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। लेकिन कुछ लोग भागदौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन कार्यों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। यकीन मानिए, जीवन में कोई भी मनुष्य इतना व्यस्त नहीं है कि वह कुछ पल ईश्वर का नाम ना ले पाए। यह सत्य है कि परिवार के भरण पोषण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन अर्जित करना जरूरी है, लेकिन स्वयं के लिए भी समय निकालना बहुत आवश्यक है जिसमें पुण्य कमाया जा सके, क्योंकि व्यक्ति के पुण्य कर्म ही जीवन भर और मृत्यु के बाद भी उसके काम आते हैं। चातुर्मास ऐसा समय या अवसर है जिसमें आप व्रत साधना और सेवा जैसे कार्य करके पुण्य कमा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। चातुर्मास श्री हरि विष्णु से जुड़ा है। इस समय अंतराल में श्री हरि शयन के लिए चले जाते हैं। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से शुरू होता है। जिस तरह मंदिरों में प्रतिदिन रात के समय देवों के सोने का समय मानकर मंदिर के पंट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह भगवान का जागृत भाव मानकर मंदिर के पट खोलकर पूजा पाठ और आरती की जाती है, ठीक वैसे ही चातुर्मास के महीनों में विष्णु जी को शयन भाव में हैं ऐसा माना जाता है। चातुर्मास में पूरे 4 महीने तक मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है, लेकिन ब्रज की यात्रा की जा सकती है। मान्यता है कि चातुर्मास में पृथ्वी के सभी तीर्थ ब्रज में आकर ही निवास करते हैं। चातुर्मास में वर्जित हैं ये काम, आइए जानते हैं। चातुर्मास में कुछ काम भी वर्जित माने गए हैं, जैसे नशीले पदार्थों का सेवन, किसी अन्य का दिया हुआ भोजन करना, झूठ बोलना, दही खाना, मांस खाना, मूली, बैंगन और साग पात आदि का सेवन भी स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्जित होता है। चातुर्मास के दौरान दूसरे लोगों से अन्न नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप जरूरतमंदों को अन्न का दान अवश्य कर सकते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य ना करें और ना ही किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें। चातुर्मास में बहुत आवश्यक ना हो तो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि चातुर्मास में
तुलसी पूजा का अपना महत्व होता है। इसके साथ ही इस माह में शरीर में तेल मालिश भी नहीं कराना चाहिए। चातुर्मास के दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि जैसे बड़े और महत्वपूर्ण मांगलिक कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवधि में भगवान विष्णु चिर निंद्रा में होते हैं और साधकों को उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। चातुर्मास से जुड़ी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।